दोस्तों वेलकम टू माय ब्लॉग रविता गुंजी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। दिन का टाइम है, दिन के 2:30 बजे होंगे। मैं अभी आई हूँ ड्यूटी से, क्योंकि आज से दिल का बर्थडे है, इसलिए मैं आज डीपी के यहाँ आई हूँ। हवा तो ठंडी चल रही है, लेकिन धूप बहुत तेज और गर्मी हो रही है। लेकिन हवा दही बड़े बनाने की तैयारी चल रही है। आज दही बड़े मैंने कहा स्टीम करके बनाते हैं मकटो में, देखो कैसा होता है। पहले ट्राई करने के लिए अभी एक शिफ्ट में चढ़ा दिया है। अच्छा बनेगा तो स्टीम वाला दही बड़े खाएंगे, नहीं तो फिर तलेंगे। पहले ट्राई करने के लिए तैयारी। इसको कर दूं आलू को मैं मैश कर दूं? बड़े के लिए चटनी बना रही है दीपी। और इसमें इसमें क्या करना है, काट दूं इसको? ये आलू ये क्यों निकाला था तूने? अच्छा व्हाइट सॉस पास्ता बनेगा। खाली खाली बच्चों को एहसास हो गया आज उनका बर्थडे है, तो छोटे मोटे एक दो बच्चों को बुला रखा है। और बच्चों के लिए बन रहा है व्हाइट सॉस पास्ता, दही बड़े और सैंडविच, क्या फ्रेंच फ्राइज और चीजी पनीर और आइसक्रीम। ये क्या बना रही है? ये आलू का ये बन रहा है ब्रेड रोल। ब्रेड रोल, हाँ। बस गर्मी बाहर बहुत है, लेकिन आज ठंडी हवा चल रही है। आज हम लोग जो है फास्ट फूड ही बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे, खाना वाना नहीं बनाएंगे। बस इसी से पेट भर जाएगा बच्चों का और हमारा भी। कटोरी में कर देंगे। धनिया कौन सा, ये वाला काटूं? मुक्तो में बना रहे थे हम स्टीम वाला, लेकिन इतना बढ़िया नहीं बना, तो अब इसको तल के ही बना रहे हैं। अब बस ये तेल गरम होने वाला है, फिर फटाफट दही बड़े तलते हैं। बच्चों को बुला रखा है 7 बजे। हमको 2 घंटे में सब तैयार करना है ना दीपी? हमारा आज का टास्क है। इसको हटा दे, फिर मुक्तो को हटा दे। क्या ठंडा मई के महीने में, क्या बढ़िया ठंडा हो रहा है यार। बच्चे तो जाड़ों में पैदा होने चाहिए, ताकि बर्थडे मनाते समय अच्छा अच्छा खाना बना के हम लोग खा सके, खिला सके। ऐसे मई के महीने में भैया देखो दही बड़े तलने पड़ रहे हैं। ऐसा शेप नहीं बना लिया हम, ऐसे डाल देंगे। हाँ हाँ, गोल गोल कर दे, छोटा छोटा, हाथ गीला कर दिया। हाँ हाँ, कटोरे में डिप तो कर दियो। बेरा तो मैं न्यानी बात हूँ वे वही नहीं तो तुझे बताया हूँ नहीं यार ताका सभी क्या था ये नहीं वाओ रविता क्या खिला रही है इतना फेटा इतना फेटा, साला पसीना निकल गया। गजब के आज दही बड़े बन रहे। हाँ फ्लफी बनेंगे, फ्लफी दोनों बहनों का हाथ लग के। उस दिन होली में ऐसी सॉरी, यहाँ जिसको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी अच्छी बच्ची तो क्या रील आते तो रहते तो शादी में तो शायद पी मिल रहा है जंगा रहा जंगा रहा नहीं मिला। देखिए दही बड़े कैसे बन रहे हैं, इतना ज्यादा खजा बनना झील होगा मुझे। यहाँ से थोड़ा बड़ा ही करना पड़ेगा लग रहा है। डेकोरेशन करने वाले आए हैं, रायपा पार्टी, रायपा पार्टी लोगों को बुक कर रखा है आज डेकोरेशन करने के लिए। क्या कहता है? छमे कहता है, क्या कहता है? शंची, तेरे तो सभी शंची है यार, हम भी शंची है ना। हाँ शंची, तो क्या चीज़
बड़े वाला बना दो अच्छा सा शेप। बर्थडे हो जाए पूरी पार्टी ले ले सब तो। फिर भी सही लग रहा वो तो अंडा ही लग रहा है शुतुरमुर्ग का अंडा लग रहा है। अब दीदी बना रही है व्हाइट सॉस पास्ता। सब कुछ रेडी हो चुका है। बस पास्ता बनाने के बाद बच्चों को तैयार करेंगे, उसके बाद केक काटा जाएगा। ये भी बन गया है। हाँ, इसको लास्ट में डाल दी ना दीपी। मैंने भी वो भी डाल दी ना, दूध डाल के डालूंगी फिर थोड़ा वो डाल पहले कौन सा आलू कौन सा उसमें लग डाल दीदी। न्यू तो डाल में या लास्ट न्यू तो नहीं डाल नहीं तो वो पूरा वैसे बन गया ना। तो सबसे मेरा तरीका तो यही है। वाह ओ नहाने ऑर्डर लगा दे लंग फंदा तब ने ने फलाते लाइट खोलो लाइट ले दे देखो प्रिपेयर करो वो भी आटा वाला डिश ना ये बन रहा है व्हाइट सॉस पास्ता। आई ले जा तो रे बजे बॉल रेडी हो गया है। चलो चलो मैया जी की जय। हाथ जोड़ो मंदिर में, मंदिर में हाथ जोड़ना जय। वो तो वहाँ जाके जय नंदा मैया, जय नंदा मैया, नंदा विष्णु मैया। चलो 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 जाओ बच्चे परेशान हो गए भाई केक काटने के लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा बढ़िया तो डेकोरेट कर दिया भाई। इधर आ बच्चे, आयो तू पापा बच्चे तू सबसे बड़ा ना बर्थडे बॉय सबसे बड़ा। गुब्बारे में नहीं लगता है इधर आओ। ऐ ऐ किसी का साल हो चलो गुनू का फिर गुनू थोड़ा पास पास बैठा। ये नहीं ये नहीं मैं तो नहीं अपने गुनू जाना उधर पीछे। तू क्या जवान हो गया क्या बच्चे ये छम वहाँ जाना उनके पीछे खड़े हो यार। अरे यार तू सब सीनियर है तरशान लो तरशान लो विनायक ना जाओ ना वो विनायक दादा फिर उसके बाद आप सेकंड सीनियर। चलो चल यार प्लीज उठो यार विनायक पीछे खड़े हो पीछे पीछे खड़े हो। अरे इसको ध्यान रखता ना एकदम आवाज उसका जल्दी करो यार गरम हो रहा है। बढ़िया रही ये जाना वहाँ पीछे खड़े हो दोनों जवान चाकू इधर है। चलो तुम लोग भी विनायक खड़े हो जाओ चलो जाओ। ये लेडी लेडी पार्टी में आप लोगों का बड़ा योगदान है बर्थडे मनाने में खड़े हो जाते हैं आप लोगों का बड़ा योगदान है लेडीज लोग। चलो पीछे जाओ रोहित तू भी बच्चा है अभी जा जब तक शादी नहीं होती है। आगे पीछे वहाँ जाना यार हाँ भाई लोग है तू सबसे सीनियर तो तू ही है फिर तू कहाँ पीछे खड़ा है। सौरभ नहीं आया बोलता ना कोई होगा मेरा भाई है ना छी छी है ना तू भी वहाँ बैठना है इसको गोदी में लेके उधर बैठना वो बच्चे उधर को खड़े हो जाएंगे। अरे तुम लोग बर्थडे वाला गाना क्यों नहीं लगा रहे हो फिर अरे मोना फोटो खींच रही है तू वो अरे तू वहाँ जा रही हो उधर जा फोटो भी दीपी दीपी सुनो तू इसको थोड़ा टेबल थोड़ा आगे कर फिर वो बच्चे को उधर उधर खड़ा कर दे। वीडियो बना
एमबी डॉन तो नहीं है? हाँ एमबी डॉन हाँ हाँ ऐसा लग रहा है सब चीजों की लड़ाई हो रही है वही तो ऐसे लग रहा है सेम दादी अच्छा हाँ ऐसे लग रहा है नहीं खोजे वो हमारी ब्लॉगर ये ब्लॉगर तब वो चमरी है यार चमरी में लड़की नीचे आप दबो चक्षम भारी नहीं ऐसे पीछे भारी है भारी उसको ना वैसा नहीं है वो केक खाने का हो रहा होगा ना हाँ टेबल में बैठा कढ़ाई चढ़ा दे यार वेट 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 उसमें रखा है जा ना जा हम सब कभी खींच रहे हो फोटो वेट वेट अब आओ तो पोज करो आओ गिफ्ट निकालो पोज करो पोज करो तीजू मुझे पता है सबको लगा चलो आओ लेडीज पार्टी चलो क्या फोटो कोई बात नहीं आशीर्वाद सबका बर्थडे से डालना फ्राई कर रही है मोना डालेंगे अब मोना की ड्यूटी हो गई है फ्राई करने की एक बार थोड़ा पीछे हो गया मोना स्पेशल डिश बना रही दिखा दो मोना क्या बना रही है अरे वाह सबसे लास्ट में आ रहा है तू मोना भी चीचक जातना खाए होता नहीं दही बड़े लास्ट में खाना चाहिए तूने दही बड़े खाया पहले मेरे को वो टेस्ट करना था चटपटा लास्ट में दही बड़े खाओ तो खाना पसता है दही खा लेंगे बड़े को छोड़ दोगे पचा लेंगे ये तो ना टक्कर कर देगा दिखाते दिखाते तीजी का क्या है ये गिफ्ट है ना आज का क्या है अरे वाह ये क्या निकला अरे दिस इज वॉच वॉच आप मीता की वॉच को देख के बोलते थे ना ये क्या है
ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? दिखाओ दिखाओ क्या है? हेलो या दीता वंचना होती है ना ते। थैंक यू सो मच ले थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ले रहा हूँ पक्षी नहीं मुना हो गया। हम लोगों ने बर्थडे मना लिया है तो आज का व्लॉग इतना ही है। आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और कीजिए मेरे अगले व्लॉग का इंतजार। बाय।